10 साल पहले हुए चर्चित संजय ठाकरे हत्याकांड में संजय ठाकरे के परिजन आईजी योगेश देशमुख से मिलने पहुंचे। परिजनों ने एक बार फिर न्याय की मांग की है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पूर्व इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए थे। घटना 10 साल पुरानी है। तुलसीनगर रहवासी संघ के अध्यक्ष संजय ठाकरे का कुछ लोगों से जमीनी विवाद हुआ था। लंबे समय से चल रहे विवाद में संजय ठाकरे की वर्ष 2011 में हत्या हो गई थी। उसके बाद पुलिस द्वारा किशोर पटेल व उनके अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया गया था। 10 साल बाद तक जेल में बंद रहने के बाद साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही रही, जिसके चलते आज ठाकरे के परिजन अपनी दो बेटियों के साथ न्याय की आस लिए आईजी योगेश देशमुख से मिलने पहुंचे और मांग की कि ठाकरे हत्याकांड की फाइल फिर से खुलवाई जाए और हत्यारों को कड़ी सजा दी जाए। आईजी महोदय से भी मैं इसीलिए मिलने आए हैं मेरे परिवार के साथ कि जो पुलिस द्वारा की गई कानूनी कार्रवाइयों की हत्या हो चुकी है, जो न्याय व्यवस्था की हत्या हो चुकी है। संजय ठाकरे के हत्यारे शायद आज तक नहीं मिल पा रहे, पर जिन लोगों ने पुलिस कार्रवाई की हत्या की है, न्याय व्यवस्था की हत्या की है, आईजी महोदय से मैं निवेदन करने आया हूं कि कम से कम संजय ठाकरे के हत्यारों को नहीं खोज पाए, परंतु पुलिस की कार्रवाई और न्याय व्यवस्था की जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें तो खोज निकाला जाए, जिससे कि पूर्ण हमारे जैसे जो भी पीड़ित परिवार है उन लोगों को पुलिस कार्रवाई और न्याय व्यवस्था पे भरोसा हो। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्ण व्यवस्था के कारण सभी का भरोसा उठता चला जाएगा। सभी आरोपी बरी हो गए। संजय ठाकरे हत्याकांड में निर्णय न्यायालय का आया है, यद्यपि हमारे पास अभी कॉपी नहीं आई है। तो उसके संबंध में इन्होंने अपनी कुछ शंकाएँ जाहिर की हैं। पूर्व में इनका कहना है कि उन्होंने कुछ आवेदन दिए थे जिस पर ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी न्यायालय से जब इसकी प्रति प्राप्त होगी उसको अध्ययन करके फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, कोई लापरवाही के लिए विभाग के कर्मचारी अधिकारी के पुराने ये जल्दबाजी हो जाएगी कुछ भी कहना। अभी जब तक निर्णय की कॉपी नहीं पड़ेंगे और पुराने समय में क्या हुआ सबका अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो ऐसा कहना जल्दबाजी हो जाएगी।